गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे ग्रामर में लेसन नंबर 22 कंपोजिशन। इसमें हमने सबसे पहली टॉपिक ली थी पैराग्राफ राइटिंग। हमने फर्स्ट डे देखा था कि हमें क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ते हैं जब हम पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। फिर हमने इसके बाद एक सॉल्व पैराग्राफ भी देखा था जिसे आपको नोटबुक में लिखना था। आज हम देखते हैं पेज नंबर 177, लाइफ इन अ बिग सिटी। इसको भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग जाएगी ब्लैक पेन से लाइफ इन अ बिग सिटी, और ये सेंटर में जाएगा। जैसे सेंटर में देगा सेंटर, यहाँ पे नंबर नहीं डलेगा, थ्री नंबर आपको नहीं डालना है, लाइफ इन अ बिग सिटी डालना है, सेंटर में डालना है, ब्लैक पेन से डालना है। और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हमें कहीं पे भी कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, ना ही पैराग्राफ चेंज करना है। और ये जो भी आपका मैटर लिखा जाएगा जस्ट मार्जिन से ही लिखा जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ टॉपिक दी गई है लाइफ इन अ बिग सिटी, मतलब जो लोग बिग सिटी में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। अ सिटी, अ बिग सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्काई स्क्रैपर्स, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी होती है वो कैसी पहचानी जाती है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानी जाती है, कैसे पहचानी जाती है, उसकी बिल्डिंग से। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, टॉल बिल्डिंग्स होती है उससे। कॉमा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। कॉमा, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग्स का मतलब हाउस एंड फ्लैट्स। द ड्रेस सेंस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का पहनने का तरीका अलग अलग होता है। एंड द वेरियस फैसिलिटीज इट प्रोवाइड्स टू इट्स इनहैबिटेंट्स, मतलब जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, कैसे कैसे, फॉर एजुकेशन, गुड हेल्थ, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, मतलब एजुकेशन की वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है, सिक्योरिटीज अच्छी होती है, एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स होते हैं, मूवी सेंटर्स होते हैं। एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट, मतलब जो आपको खुशी दे, वहाँ पे ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं। फर्स्ट स्टॉप, लाइफ इन अ बिग सिटी इज हैक्टिक, हैक्टिक का मतलब है बिजी, मतलब बड़े बड़े शहरों में लोग बहुत बिजी होते हैं। देर इज अ हस्टल एंड बस्टल एवरीवेयर, मतलब हर जगह एक उथल पुथल सी रहती है, सब बहुत बिजी होते हैं अपने काम में। राइट फ्रॉम द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग टिल द लेट इन द नाइट, वहाँ पर सुबह से मतलब लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है, रात तक, देर रात तक बेचारे काम करते हैं। पीपल वर ऑलवेज ऑन द रन एंड रनिंग टूवर्ड्स देयर वेरी डेस्टिनेशन, मतलब ऐसा लगता है लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइफ इज अनईजी एंड रेस्टलेस, वहाँ पर लाइफ जो होती है वो ईजी नहीं होती है, और लोगों को पेशेंस नहीं होता है, और लोग बहुत बिजी रहते हैं। द प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय द कम्फर्ट्स एंड द लग्जरीज दैट कैन बी फाउंड ओनली इन अ बिग सिटी, ये सबका प्रेशर क्यों होता है, लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, कम्फर्ट्स अचीव करना चाहते हैं, लग्जरियस थिंग्स अचीव करना चाहते हैं, इसलिए उसके पीछे भागते रहते हैं। सिटी लाइफ हैज मैनी चार्म्स और फिर जोन्स दो देर आर सम बैक्स टू, मतलब बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहर की अपनी खुद की बात होती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमियाँ भी होती हैं। द मेजर थ्रेट टू लाइफ इज फ्रॉम पॉल्यूशन, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। एंड द कॉन्सिक्वेंट इलनेस, मतलब लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पीपल हैव अ हार्ड लाइफ, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्टिल दे प्रेफर टू लिव इन अ सिटी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। बिकॉज इट ऑफर्स देम द अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल देयर विशेज एंड मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको चांस मिलता है जिससे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और वहाँ पे लोग सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, भागते रहते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए। तो देखिए आपको उसको बहुत प्रॉपर वे में नोटबुक में लिखना है, लाइफ इन अ बिग सिटी ब्लैक पेन से जाएगा, उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, और जस्ट मार्जिन से आपको अपना मैटर लिखना है, और आपको कहीं पे लाइन नहीं छोड़नी है। देखिए आपने देखा होगा कि हमें यहाँ टॉपिक क्या दिए थे, लाइफ इन अ बिग सिटी, तो जो भी चीज़ें लिखी गई है आपको बिग सिटी के बारे में, पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि बिग सिटी होती क्या है, उसकी पहचान, हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये सिटी बिग है, तो आपको बताया गया है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लोगों का रहन सहन का तरीका अलग होता है, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटीज अच्छी होती है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं,
और वो सिटी जो होती है लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी रहती है, वो भागते रहते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक वो बिजी रहते हैं कोई ना कोई काम में। बड़े शहर में रहना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ड्रॉबैक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिससे लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, तब भी उसके बावजूद भी लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सिटी होते हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी चांस देते हैं जिससे क्या हो सके, उनके ड्रीम्स पूरे हो सके। तो हमने पैराग्राफ को ऐसा लिखना है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखो, और लास्ट में आपका उसका कंक्लूजन लिखो कि मतलब ड्रॉबैक होने के बावजूद भी लोग वहाँ रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और देखिए आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि जो भी लाइन्स है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कुछ अलग सब पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म करना है। थैंक यू।